हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आपके और आपके स्टूडेंट्स के बीच लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, सिर्फ आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, लेकिन आप इंडिया के किसी भी कोने के स्टूडेंट्स को अगर आप सिखाना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी और लैंग्वेज नहीं आती, सिर्फ आपको रीजनल लैंग्वेज आती है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखा सकते हो। जहाँ दोस्तों इस प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे आपको खुद को रजिस्टर करके अपने रीजनल लैंग्वेज में आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे हम खुद को रजिस्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फीस मिलने वाली है वो फीस कितनी होगी, मतलब स्टूडेंट्स को आप कितना चार्ज करोगे और आपको जो फीस है आपको कैसे मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम है हमारा ट्यूटर्स। जहाँ दोस्तों नाम से आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारा यानी कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पढ़ने के लिए आती है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को और बहुत सारे ट्यूटर्स को इस पे कनेक्ट करता है। इस पे देखिए दोस्तों 20,000 से ज्यादा ट्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट है और 25,000 से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए, ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ से स्टूडेंट जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया हमारा ट्यूटर्स के बारे में, जो कि सिर्फ इंडिया में काम करता है, ग्लोबली स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसका एक मेन बेनिफिट क्या है दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, मेनली जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में सिखाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी जो लोकल स्टूडेंट्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप साइनअप प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो साइनअप प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपका जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो लोकेशन आपको यहाँ पे सेट कर देना है और सेट करने के बाद आप किस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। आइदर आप मराठी में सिखाना चाहते हो, हिंदी में सिखाना चाहते हो, इंग्लिश में सिखाना चाहते हो या फिर मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कौन सी भी लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे सिखाना चाहते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ताकि यहाँ के देखिए क्या होता है, जब स्टूडेंट्स आपकी प्रोफाइल पे आते हैं तो स्टूडेंट सपोज आप अगर आपसे तेलुगु में सीखना चाहते हैं तो जो तेलुगु में जो टीचर सिखाते हैं उनसे उनको वो सिलेक्ट करेगा, उनसे सीख जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी पर्टिकुलर लोकेशन सेट करनी है और आपका यहाँ पे जो भी लैंग्वेज में आप सिखाना चाहते हैं वो भी लैंग्वेज आपको वहां पे दे देना है, ताकि स्टूडेंट्स आपके पास उनकी लैंग्वेज, उनकी रीजनल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, उन आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, सो देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सिखा सकते हो। अगर बात करें हम सब्जेक्ट्स की तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर अदर कोई एग्जाम्स हो, जैसे कि बैंक एग्जाम हो, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, तो उनकी तैयारी भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपको कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। ठीक है, नो बाउंड्री फॉर एनी सब्जेक्ट, ओके, सब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट की। देखिये दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात है, पेमेंट जो आपको मिलने वाला है वो पर आवर के हिसाब से आपको मिलने वाला है, जितना आप काम करेंगे उतना आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा और जो पेमेंट आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पे करेंगे, आइदर कंप्लीशन ऑफ योर क्लास और बिफोर कंप्लीशन ऑफ योर क्लास। जैसे आपकी रिच स्टूडेंट के पास बढ़ती है तो आप क्लास के पहले भी फीस अपनी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप नए होते हैं, न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म, देन स्टूडेंट्स क्या करते हैं बाद में फी देना पसंद करते हैं। अगर उनको ट्यूशन पसंद आता है तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद उनकी जो फी है आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं या फिर कोई कमीशन ये प्लेटफॉर्म आपसे नहीं लेता है। ठीक है,
जो भी फीस है स्टूडेंट्स आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये बात हो गई पेमेंट की। अब पेमेंट की मतलब आपको यहाँ पे कितना मिल सकता है, आप अपने हिसाब से पर आवर सेट कर सकते हैं, 100 रुपए पर आवर या से लेकर 1,000-1,500 जैसा आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट सेट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को अपना ये चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, जब आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे तो स्टूडेंट आके देखेगा मुझे केमिस्ट्री सीखना है, केमिस्ट्री सीखना है तो मुझे कौन सा टेटर चाहिए। आप जो स्टूडेंट्स होते हो आपके प्रोफाइल देखे, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगते हैं तो आपको रीच आउट करेगा और आपको वो कांटेक्ट करेगा कि मुझे ए केमिस्ट्री आपसे सीखना, इस लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप मुझे केमिस्ट्री सिखा सकते हैं। ठीक है, सो जैसे आपका हो जाएगा रेट निगोशिएशन हो जाएगा तो आप उनकी डायरेक्ट क्लास ले सकते हैं, आइदर ये प्लेटफॉर्म के साथ ले सकते हैं या फिर कोई भी गूगल मीट हो या फिर जूम हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल है उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप इनकी ऑनलाइन ट्यूशंस ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे साइन अप कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, साइन अप करने के लिए हमेशा की तरह मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए, वहां पे जाके आप साइन अप प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। जो पहला स्टेप होगा वो होगा अपनी प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपको क्या करना है, आपका नाम देना है, देन आपका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, आपका एक अच्छा सा इमेज भी आप वहां पे देना है। और वहां पे क्या करना है दोस्तों, आपने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन एक अच्छा सा आपको क्यों देना है, क्योंकि उसी डिस्क्रिप्शन को देखते हुए स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या प्रोवाइड करना है दोस्तों, वहां पे आपका अपना नाम देना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, एक्सपीरियंस बताना है स्टूडेंट्स को कितना है, ये सब उस बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोफाइल पे जाके सेट करना है, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह। जो सेकंड आता है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का होता है। सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट वहां पे मिलेंगे, आप मल्टीपल सब्जेक्ट वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल सेव कर सकते हैं। जो थर्ड आता है वो है पेमेंट का, मतलब आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग का, मतलब आप कैसे ट्यूटरिंग करना चाहते हैं, आइदर स्टूडेंट्स के घर जाके ट्यूटरिंग करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आपके घर आके ट्यूटरिंग करना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन मोड से आप ट्यूटरिंग करना चाहते हैं, जो भी आप वहां पे सिलेक्ट करके अपनी प्रोफाइल वहां पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेमेंट का कहीं भी ऑप्शन नहीं आता है। जब आपको स्टूडेंट्स रीच आउट करेगा तो आप स्टूडेंट से उनके पेमेंट के बारे में बात वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है आपको, कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर देने की जरूर कोशिश वहां पे करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में देखना है प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।